आगे संभव करने की क्रिया को आप जब तक नहीं करेंगे, आप में अगर निष्ठा है, आपको गुरु के प्रति समर्पण है, तो जो असंभव कार्य है वो भी संभव करने की क्रिया जिसमें करेंगे आप निश्चित कर जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे। अब जब यह कार्य होगा तो मुझे ये लगता है कि हमारे जीवन में साधनाएं नहीं है या साधनाओं से कार्य नहीं होता, ऐसा नहीं। मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से इससे पहले भी आपको कहा था, मैं 8 साल 12 साल तक गुरु जी के पास 1984 से 1993 तक मैं गुरु जी के पास गुरुमंत्र जप करते हुए गया, और जो पीरियड मैं 1984 से 1993 का पीरियड करता हूँ, मेरे जीवन का समझो वनवास 12 साल का वनवास का एक समय था, उपवास का पीरियड था। इतनी बाधाएं मैंने इतनी अनुभव की शायद आप कोई नहीं जानते। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, मेरे अपने मुझे साथ नहीं आए, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं थे। सबको ये था कि ये नौकरी छोड़कर, ये सब छोड़कर साधनाओं के पीछे घूम रहा है, ये गुरु गुरु कहते हुए उत्तर भारत के गुरु के पीछे घूम रहा है, इसका क्या होगा। मेरे माता पिता स्वयं मेरे विरुद्ध थे। मेरे पिताजी ने गुरु जी को पत्र लिखा था कि मेरा बेटा नौकरी सरकारी नौकरी छोड़कर साधनाओं के पीछे बैठा, इसका क्या होगा, उसको 2 बच्चे हैं, उसका पैसा होगा, ये सारी बातें उनके पीछे। लेकिन मैं जिस निष्ठा को लेकर, जिस गुरु जी के साधनाओं के ऊपर लेकर चला था, वो 1993 के पीरियड में गुरु जी के पास जाकर यही बात मैंने कही, गुरु जी मैं 2 ही चीजें आपके सामने रखता हूँ, एक ये कि अगर मैं आपका सच्चा शिष्य हूँ तो मुझे सामर्थ्यवान शिष्य बनाओ, नहीं तो दूसरा अगर मैं सामर्थ्य शिष्य असमर्थ नहीं देना चाहता और मुझे असमर्थता नहीं चाहिए। और गुरु जी ने उस दिन ये वचन दिया था, जोशी काट की हंडी चढ़े न तुझे बात, तू मेरे पास आया है, तुझे काट की हंडी बनने नहीं दूंगा, तुझे तो स्वर्ण की हंडी बनाऊंगा, तू संसार की। मैं क्या हूं आप देख रहे हैं, मैं भी आपको चाहता हूं कि मेरी प्रेरणा हो या मेरे गुरु की निष्ठा हो, आप अगर निष्ठा करते हैं तो आपके जीवन में वो दिन आए, वो दिन देखें आप भी। हम सब लोग मिलकर जब करते हैं, अगर दीपक बनकर जाते हैं तो गुरु जी ने ऐसा कहा है, गुरु जी अपने वचनों में कहते हैं कि आने वाला युग स्वामी कृष्ण जी का हो, नाथ स्वामी सारे वसुधा का रूप और रंग बदल देंगे, केवल साधना मार्ग से गुरु जी ने कहा है, तो ये बात होगी, हम साधना प्रशस्त मार्ग को बदलेंगे, हम साधनाएं करते हुए चलेंगे, हमें चलना भी चाहिए, हम असमर्थ जीना नहीं चाहिए और असमर्थ हमारे में ना हो, इसके लिए हमारे पास दैविक कृपा की होना जरूरी है। और सचिन अगर हम आज देखा जाए तो आज हमारे भारत में कहो रोड्स के कारण को या प्रोजेक्ट पानी के प्रोजेक्टों के कारण को बहुत बड़े पहाड़ों में बारूद लगाया जा रहा है और उससे पहाड़ों को गिराया जा रहा है, प्रोजेक्टों के माध्यम से बहुत बड़े 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 मिशनरियों के साथ उसको गिराया जा रहा है। तो हमारे में जो पहाड़ों में जंगल में जो देवांगनाएं या जो देवता स्त्रियां या जो देवता वृक्ष थे वो सब चले जा रहे हैं और वहां नगर बस जा रहे हैं, आज हमने देखा कितने ही नगर बस गए। अब अगर हम इसकी चिंता करते हुए बढ़े तो केवल हमारे लिए विंध्यवासिनी से लेकर नेपाल से लेकर कामाख्या और गुवाहाटी के पर्वतों में नीलाचल पर्वत से लेकर ऊपर तक या माउंट आबू गुजरात की पर्वत, इन पर्वतों में ही संत महात्माओं की श्रृंखला, गुरु जी अपने सारी चीजों को छोड़कर जब हिमालय गया और उन साधुओं को ढूंढा तो हिमालय पर्वत में दिखे, बाकी सब लोग यहाँ से निकलते हुए बाहर जा रहे। तो क्या हमें जंगल में जाने की शक्ति हमारे में है, जंगल में जाकर साधना कर सकते हैं, क्या उस साधना में जाने के लिए हमारे पास शक्ति है, इस शक्ति के लिए पहले विचार करना, जंगल में घुसने से पहले विचार करना चाहिए कि क्या मुझे बाघ काटेगा या बिच्छू काटेगा या सांप काटेगा, इसका न्याय ज्ञान हो तो आगे है, नहीं तो पहले ही जाते से पहले जंगल में गुरु जी बहुत सांप रहते हैं ना, बहुत कोल्हा रहता है ना, वो रहता है ना, क्या बिच्छू रीछ रहता है ना, ये पहले यहाँ से शुरू रहता है। अगर हम कहें तो जंगल में जाके काटने साधना करके अकेला जाए, नहीं गुरु जी आप आए तो हम जरूर चलने देते जाए, अरे तू अकेला जाके आए, मैं आने के बाद क्या, अगर जाने के लिए कोई तैयार है तो वो तैयारी की बात नहीं करता, वो बात ये करता है गुरु जी आप आओ बस हम आपके पीछे खड़े, नहीं आप मैं बताऊ आगे जाऊं मैं पीछे आ रहा हूं, मानने के लिए तैयार है। जब जिस दिन ये क्षण आएगा कि आप जाकर जंगल में जाकर उस साधनाओं को संपन्न कर सकेंगे, पहाड़ पर जाकर अकेले को साधना कर सकेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में किस तरह की सिद्धि आपने प्राप्त की है। जो मैंने किया है वो बात करूं, मैं करने के बाद ही आपको कहता हूं, मैं कोई ऐसी वैसी साधना आपको नहीं देता, मैं करने के बाद इस साधना में सफलता प्राप्त की वही साधना आपको करवा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके पीछे कोई ना कोई दैविक शक्ति खड़ी हो और वो आपको मार्गदर्शन कर सके, मार्गदर्शन बता सके कि आपको आगे जीवन में क्या होना है, क्या होना है और क्या होता है। इसलिए जो आचार्य जिस तरीके से उन्होंने किया, हर कोई ऋषि किसी भी ऋषि को ले लो, कोई ऋषि हर एक ऋषि में चाहे वो राक्षस भी क्यों ना हो उसके पास भी देवांगना है, चाहे मैं कहो अफसर साहब
ब्रह्मा हो उर्वशी हो, इन्होंने उनकी तपस्या भंग करने दिया है, उनके साथ रहे और उन्होंने उनका जब तक भी रहे उनका पाठ शरीर का कायाकल्प हुआ। वो जंगल में पूरे सूख की लकड़ी हो गए थे, उनके ऊपर मिट्टी का परत चढ़ गया था, उनके ऊपर बारिश में भीग गए थे, लेकिन जैसे ही अप्सरा उनके जीवन में आए उसके जीवन को दिव्य देवता से ऊपर बना गया। और ये देवाना जो तो आपके पास आते तो आपके शरीर को कायाकल्प बना देते, आपको जंगल में चलने की प्रक्रिया समझा देती है, जंगल में आपकी रक्षा करके आपको साधनाओं में साथ देती है, आप साधना का मार्ग बता देते। और ये साधक आपको अगर कहीं मिल जाते हैं तो केवल और केवल आज के दिन में तो मैं जाता हूँ कामाख्या के जंगल में और नेपाल के जंगल में ऐसे साधक मिले नहीं जो अकेले घूमते हैं, अकेले विचरण करते हैं और उनके पीछे ये देवांगनाएं होती है जो उनको खाना लाकर देती है, जो वहाँ बैठे हैं उनको सारी चीजें प्रदान करती है। ऐसी साधना ऐसे साधक आपको वहां मिल जाए हमारे में। क्यों आपको सिक्किम ले जाना चाहता है इस गुरु जन्म दिवस पर? तो एक कारण है, आपको पता है कि हम सिक्किम जाने से पहले शायद अपने लिए कहो या कुछ लिए कहो, अगर ये आएगा तो इतने लोगों को देवांगनाएं दे देगा तो हमारी चीज क्या होगी? तो सब लोगों ने पहले जाने का ही रोक दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा और साधना करवाऊंगा, ये साधना वहां करनी ही चाहिए। महातार बाबा जी और महात्मा शिव जो नंगे शरीर से आपको हिमालय में घूम के मिलेंगे, ये क्या शक्ति है? -30 डिग्री पर हम 24 डिग्री 12 डिग्री हो तो हम घर काम जाते हैं, 4 सेकंड पहले तो उड़ लेकर सो जाते हैं। जो माइनस में घूमते हैं तो उनके शरीर में क्या शक्ति होगी, किस तरह रहते होंगे, वो क्या चीज है जो उनको दी गई? तो देवांगनाएं एक ऐसे अमृत तत्व को अपने को पिला देती है कि हमारे शरीर को सुदृढ़ बना देती है और वज्रमान बना देती है, वज्रयान बना देती है कि हम कहीं भी घूमे हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो उस साधना को इसलिए दे रहा हूं कि हमें आगे हिमालय जाना है, आप मेरे साथ आना है, आपको मार्गदर्शन करना है, इसलिए इस देवांगना साधना को आपको अपने जीवन में करना है कि आपके जीवन में कभी हार मत मानो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास विद्या नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं। कभी अपने आप को बूढ़ा मत समझो या कभी अपने आप को दरिद्र मत समझो, जितने समझोगे उस दिन आप जितनी शक्ति आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाएगी। बोलो मैं आज भी जवान हूं, आज भी मेरे पास गुरु रूपी धन मेरे पास है, मैं जंगल में भी जी सकता हूँ, ये शक्ति ले सकती है, आप में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, आप किसी को सताओ नहीं और आपको कोई सताए तो उसको छोड़ दो, जब तक ये बात नहीं होगी तब तक आप एक जीवंत सामर्थ्यवान व्यक्तित्व शिष्य नहीं कहलाओ, आपने ये आना चाहिए, ये जब तक नहीं आता आप श्रेष्ठ नहीं कहलाओ। तो ऐसी साधना जो भगवान सूर्य ने भगवान चंद्र ने देवांगनाएं हो अप्सराएं हो या स्वर्ग के इंद्र ने हो, इंद्र भी कहते हैं कि मैं उनके सामने झुकता हूं जो अपने इंद्रियों को निग्रह करके तपस्या करते रहता है, जो इंद्रियों को पकड़ कर रखता है, जिसने इंद्रिय अपनी इंद्रियों को जीता इंद्र भी उसको साथ झुक के कहता है कि इसके इंद्रियों को अगर मैं इसको झुकने नहीं दिया तो ये मेरा राज्य मेरा पद हरण करेगा और वो वहां से देवांगना को भेज देता है, उसको सुदृढ़ बना, उसको शक्तिवान बना और किसी लड़की के पीछे लगा दे, नहीं तो इंद्र की बढ़ जाएगा, वो पहले अप्सरा को भेज देता है। हम जब इंद्र भेज देता है और उनकी बुद्धि को जानते हैं कि हमें भटका रहा है, हम देवांगना तो लेंगे लेकिन भटकेंगे नहीं, तब हम सिद्ध कह रहे हैं, देवांगनाओं का साथ तो लेंगे लेकिन भटकेंगे नहीं। हम इस बात को किस तरह करना चाहिए और किस तरह जानने की प्रक्रिया करनी चाहिए हमारे में, आज कहते हैं हम यहाँ आश्रम में आज देखा जाए तो देसी गाय भी है जर्सी गाय भी है और हमारे में एक देवता गाय है उसे कामधेनु कहा गया है। और उस गाय के बारे में कौन जानते हैं? अगर देवांगना तुम्हें कामधेनु का दूध लाकर देती है तो तुम्हारे शरीर में कृष्ण जैसी स्फूर्ति भगवान इस देवता जैसी स्फूर्ति आएगी। क्या वह हम उस दूध के बारे में जान क्यों हम देवताओं का अभिषेक करते हैं? हम देवताओं का अभिषेक करते हुए दूध के बारे में ये जो लोग आज उदय महाराज हो ये लोग हो दलित प्राण आकाशन विष्णु और ऋषि शिवाजी ना ऐसा क्यों कहते हैं? आकाश से क्या दही आता है? किस प्रकार का दही हम लाकर भगवान की ये अभिषेक में जाते हैं कहते हैं उसका अर्थ क्या है? दही के बारे में आधार क्या है? मधुमाता होता है मधुक्षण सिंधवा इसका आधार क्या है? पैर औषधि पैस्तुति पैर के बारे में दूध के बारे में कौन सा दूध है? क्या ये गाय का दूध है या कौन सा दूध के बारे में वो कह रहे थे? कौन से दूध के बारे में वो देवांगनाएं लाए हुए दूध? आज हम पैकेट का दूध डालकर कल हम अभिषेक ने हमने अभिषेक कर दिया, क्या वो दूध है? जिस देवांगना के दूध को कीर्तन के रूप में भी देते हैं तो कहते अकार मृत्यु हरणम, अगर भगवान के चरणों में वो दूध डालकर पीते हैं तो हमारे की मृत्यु प्राप्त नहीं होती। तो हम कौन से कीर्तन को पी रहे हैं? पानी डाले हुए गधे के दूध के पानी पी रहे हैं,
हम ऐसे अगर दूध को पीते हैं तो हमारा अकल मृत्यु नहीं होता, मृत्यु नहीं भी हुई तो आएगी। मंत्र तो ज्येष्ठ श्रेष्ठता के साथ पढ़ते हैं, पयो अंतरिक्षो पयो दिव्य अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जाने वाला उपाय कहां है? ये पृथ्वी से भी दूध को नहीं लाते, पयोला संत महिम कहते हैं कहां है, कौन सी दूध के बारे में बात कर रहे हैं? पानी भी दो प्रकार का होता है, अब नहीं कहना चाहिए, अगर कहे तो यहाँ डॉक्टर सुष्मित बैठे हुए लोग सब मेरे को बात करते हुए कहेंगे कि हम जब तक पृथ्वी से नीचे से निकला हुआ पानी पिएंगे तो स्त्री की उत्पत्ति होगी, और ऊपर से गिरा हुआ पानी जब पीते हैं विष्णु का वीर्य पीते हैं तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर ये बात कहूँ तो लोग मुझ पर केस कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैं क्या बात बता रहा हूँ कि उसको विष्णु वीर्य विष्णु का रस और इसको पृथ्वी से नीचे आए हुए रस को पृथ्वी का रस कहा गया है, पृथ्वी का रस और दिख का, इन दोनों का मिलन हो तब कहीं हम इस पृथ्वी पर कौन से वृक्ष उगते हैं, किस प्रकार के वृक्ष। स्त्री का जन्म नहीं होना, मैं तो आदल से बता रहा हूँ, स्त्री हमारे लिए दिव्य तेजस्वी का ब्रह्मवादी ब्रह्मर्षि है, वो ब्रह्म की ज्ञाता वेद की ज्ञाता है, वह हमारी माता है, वही हमें पालती है, वह सब कुछ है। उस स्त्री के लिए हमारी उतना ही श्रेष्ठता के साथ हम स्त्री को भी मान्यता देनी चाहिए, उसके साथ उतना ही प्रेम है। आज स्त्रियों में प्रेम कम हो गया तो क्यों हो गया है, क्यों हो गया है कि हम ऐसे पानी को पी रहे हैं, ऐसे दूध को पी रहे हैं जो न अदृश्य आता है न दृश्य जाता है। कामधेनु को सृष्टि किसने की, कामधेनु को किस तरह सृष्टि करना चाहिए? हम मंत्र पढ़ते हैं क्या मंत्रों से तुम्हारा दूध बदलता है? दधिक क्रमण अवकाश विष्णु ऋषि वाले बोलते हैं आकाश से आए हुए दधि को बदल सकते हैं, करते हैं आप नहीं करते? वो तीर्थ में उतनी शक्ति कहाँ आई, अगर कोई पूछा तो उस तीर्थ को हम कहाँ बता सकेंगे? हम इस बातों को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अगर तुम देवांगना की शक्ति को देवांगना को जानते हो, तुम प्रसिद्ध करते हो, तो तुम्हें कामधेनु का दूध ला कर देगी और तुम एक तीर्थ का एक बुन भी तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को अमृतुल्य बना देगा, तुम्हारे शरीर को कायाकल्प कर देगा। हम इस ज्ञान को जानने के लिए हमें जो साधना करनी है उसे देवांगना साधना कहा गया है। उस देवांगना को हमारे पास बुलाने की क्रिया गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप इस मंत्र को, एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को अगर आज और कल में 101 माला साधना करते हो और 10 माला उसकी आहुति देते हो तो मैं कहता हूं कि आपके पीछे कोई भी जंगल में जाकर केवल पहाड़ पर बैठकर एक रात आप वहां बैठकर बिना माला के मंत्र जप करते रहो, देवांगना आपके पास नहीं है। लेकिन अकेले जाना, मैं उसको पुलिस को सामने रखकर या रक्षा को सामने पीछे रखकर जाऊंगा तो होगा नहीं, अकेले जाना थे गए तो मर्द है तो अकेले जाकर पहाड़ पर बैठ जाए साधना करके, अगर नहीं हुई तो मुझे आके कहना गुरु नहीं हुई, यहाँ प्रत्यक्ष करके बताऊंगा, लेकिन आपके फैसले को तो यही आपने साधना की। मैं अकेले जाकर बैठा हूँ ये बात कहो, कामधेनु की सिद्धि आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं होती। कामधेनु किसे कहा गया है? क्या आज तुम्हें गाय देखते हो उसको कामधेनु कहा गया है? क्या जर्सी गाय को गाय कामधेनु कहा गया है? कामधेनु किसे कहते हैं? अपनी कामना को पूर्ण करने वाली उस ऋषि तत्व में ऋषि के आश्रम माने रहने वाले गाय को ही सिद्ध करके कामधेनु क्यों कहा गया? आज क्या वो सिद्धि हम पा सकते हैं? उस सिद्धि को हम बता सकते हैं? उस सिद्धि को करके बता सकते हैं? तो हमारे में ये ज्ञान है ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं कि हम हमारे गाय को कामधेनु तत्व के साथ कैसे श्रेष्ठ करवाएंगे। अगर इस श्रेष्ठ को बताते हैं, हर ब्राह्मण के घर में एक गाय रहा करती थी, बिना पंच गव्य के ब्राह्मण आगे नहीं चलता था। आज कितने ब्राह्मणों के घर में गाय है बताओ, उनको खुद रहने के लिए घर नहीं तो गाय को क्या रखेंगे? ऐसी स्थिति हो गई। क्यों ऐसी स्थिति हो गई हमारी? क्योंकि हमने सामर्थ्य छोड़ा, हम जंगल में रहने के लायक नहीं रहे, हम नगर में रहने के लायक भी नहीं रह गए, ना जंगल में रहने के लायक, और हमारे पास ये सारी चीजें नहीं रही। हम जब तक इस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं करते, मैं कहता हूं कोई ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं, कोई जाति नहीं, जो सच्चे मार्ग से वेद का अध्ययन करते हुए वेदों के मार्ग से चलता है वो चाहे कैसा भी हो वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्म को जानने वाला। मेरे आश्रम में केवल ब्राह्मण ही है ऐसी बात नहीं करो, ये आश्रम में मेरे पास सभी लोग हैं और सब लोग मेरे हैं, मैं सभी को उतनी साधना करवाता हूँ, कभी नहीं कहता मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा नहीं, तुम्हारे मेरे सारे भगवानों को सारे आश्रम वासी पूजा करते हैं। और मैं चाहता हूँ, मुझे भी आश्चर्य लगता है कि कभी कभी कांता जब करते रहता है, कभी कभी जैन के मंत्र बोलते हुए जब करता है, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि मैंने एक अच्छी सृष्टि की है, मैंने भी एक हम नहीं हूं, मैंने भी कार्य सृष्टि की। जब वो लोग मंत्र बोलते हुए साधना करते हैं, जब हमारे भूम के बाला वो मंत्र बोलते हुए पूजा गुरु पूजन करते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को सृष्टि किया। क्यों बोल रहा हूं ये बात? इसलिए कि हर वो आदमी जो गुरुचरणों में झुका
वो ब्रह्म कहलाया, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। और ऐसे तत्व को जब आप आगे चलकर आप बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसी कोई देवता की शक्ति आपके पीछे काम करनी चाहिए, और उस देवता शक्ति को ही मैं कह रहा हूं वो देवांगना शक्ति है। और उस साधना को केवल आज रात से लेकर कल रात तक आप 101 माला पूर्ण कर लो, और मैं बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है। इसी पहाड़ पर जाकर केवल एक रात बैठ जाना अकेले, इस बात को याद रखना, अकेले अकेले जाकर पहाड़ पर बैठना और उस मंत्र को करना है। और करने के बाद आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अगर देवांगना की सिद्धि नहीं करवाऊंगा तो कहना गुरु जी मैं आपके पास नहीं आऊंगा, या आप बात कह लो और मेरी छोड़ के कह जाओ, इतनी बात कहता हूं। लेकिन आप साधना करके देखो, साधना करके बताओ, साधना करो, और आप ऐसी शक्ति जब लेकर आप ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करोगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे आप जंगल में रहो या चाहे गोलियों की युद्ध में खड़े रहो, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पूर्ण हमने देखा है कि पूर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्या कभी कृष्ण को एक बाण लगा और रक्त निकला, ऐसा कहा देखा है आपने? क्यों नहीं लगा, क्यों योगेश्वर कहलाए? ऐसी कौन सी उनके पास साधनाएं थी? उनके पास उनके साथ देवांगनाएं वो विकास किया हो, उनकी पत्नी हो, या उनके पास देवता उनकी बता दे सामने में वहां हुई, उनके एक श्रेष्ठ ऋषि के रूप में उनके गुरु के रूप में थे, और वो गुरु के प्रति सनी थे, और उन्होंने गुरु दक्षिणा संपन्न की थी। शरीर को पता नहीं, जब गुरु के पीछे अपने गुरु के साथ रहते हैं तो एक विशेषता, मैं ब्रह्मवीर के जीवन के ब्रह्मवीर जी जीवन के जीवन में एक जगह एक लिखा हुआ है, जब कृष्ण जी अपना देह छोड़ गए थे तो उन्होंने पांचजन्य शंख को सांदीपनि महामुनि के आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि मामी आपके पास रखो। सांदीपनि महामुनि ने जब उस शंख को अपने आश्रम में नहीं रखते हुए उन्होंने कहा किया कि ये किसी को अपने पास रखने की शक्ति नहीं रखता तो इसको जला दो, लेकिन वो जला नहीं। लेकिन जब ब्रह्मवीर आचार्य अपनी देवांगना को साथ में लेकर चल रहे थे, कहा कि मुझे कुछ ऐसी दिव्य शक्ति बताओ जिससे मैं शक्तिमान बनकर संसार में जी सकूं, तो देवांगना ने ओर से बताया कि कृष्ण का पांचजन्य शंख फलाने जगह रखा है, हे ब्रह्मवीर तू जाके लेके आ, तेरी दिव्यता तो महान बनेगा, और वो शंख लाया है, ये लिखा हुआ है ब्रह्मवीर आचार्य की पुस्तक में, आप पढ़ो, और आपके साथ कोई देवांगना होगी तो ऐसे दिव्य अस्त्र और दिव्य वस्तुओं को आपको प्रदान करेगी और आपका जीवन दिव्यमय बन जाएगा। ये मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शास्त्रों के माध्यम से ब्राह्मीर के जीवन में लिखा हुआ ये बात बताता हूं। जिसने आज जिसको कुतुब मीनार कहते हो वो ब्राह्मीर आचार्य का ज्योतिष स्तंभ था, बाद में उसको कुतुब मीनार का नाम दिया गया, दिल्ली में है। आज कितनी ही भूकंप आए, कितनी बार वर्षा हुई होगी, लेकिन उस स्तंभ में कोई ऐसा उसके ऊपर जो एक लोहे के ऊपर जिस प्रकार का वृक्ष चढ़ता है या उसको लोहा खराब हो जाता है पानी गिरने से, आज नहीं हुआ। कम से कम कुछ नहीं 3000 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जो विक्रमादित्य राजा कलयुग के 3000 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो आज जो कुतुब मीनार या वर्णस्तंभ आज जो ईसाई है उसके ऊपर संस्कृत में लिखे हुए शब्द है, वो किस लोहे से बना हुआ था, किस प्रकार बना हुआ था, किस प्रकार बनाया गया, ये ज्ञान हमारे में कुछ, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ दिव्यता हो, कुछ श्रेष्ठता बने, हम किसी के सामने नहीं झुके तो आपके पास एक देवता कृपा या देवता की साधना होनी चाहिए, देवता होना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी साधना, और जब मैं देवांगना साधना दे रहा हूं, आप 101 माला करने के बाद कामाख्या चले जाओ, और कामाख्या चले जाने में एक गोरख पहाड़ है, गोरख पहाड़ के ऊपर बैठकर इस माला को एक रात वहां बैठे रहो, और आप बताओ कि आपको साधना सिद्ध नहीं हुई तो मैं मेरी गारंटी देता हूं पैसा सिद्ध नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मार्गदर्शन गुरु हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं, आप एक बार करके देखो। किसी भी पूर्णिमा को, एक बार नहीं हुआ दूसरी पूर्णिमा, तीसरी पूर्णिमा को 101 माला जप करो, और कामाख्या जाकर इस मंत्र को देवांगना आपके पीछे आए। मैंने आपको एक बार इससे पहले भी बताया था, एक महान संत थे जो कामाख्या के साधक थे, वो कामाख्या में साधना करने, कामाख्या में मंदिर में जाकर साधना करने बैठे, तो उस समय नेपाल गया, वहां के राजा जो भी थे कामाख्या या गुवाहाटी के राजा थे, उसके सपने में कामाख्या ने जाकर कहा कि इसको पहले हटा दो, जो मेरे मंदिर में साधना करके बैठा हुआ है। राजा गया और सभी सैनिकों को कहा कोई साधना करके बैठा है, स्वप्न में माता ने कहा है कि उसको हटा दो। स्वयं सैनिक गए और कहा कि तुम्हें यहाँ साधना नहीं करें, तुम यहाँ से हट जाओ। वो गया फिर गाँव के बाहर दूसरी जगह जाकर साधना करने लगा, तो वहां फिर राजा के सपने में जाकर कहा कि उसकी साधना बंद करवा दो, वहां साधना फलाने जगह बैठकर कर रहा है। फिर सैनिक गए, फिर उसको वहां से हटा लिया। तीसरे दिन वहां और बाहर जाकर पूरे जंगल में जाकर बैठ के साधना करने लगा। फिर कामाख्या ने कहा कि वो जंगल में बैठकर जाकर साधना कर रहा है, उसको वहां से हटा दो।
अब राजा ने कहा कि कामाख्या माँ बार बार ने तेरे सपने में ऐसी बात करी, ये है कौन? राजा स्वयं उसके पास गया, अरे भाई क्यों सताता है, देवी जब नहीं चाहती थी तो साधना करने क्यों बैठा, तू चला क्यों नहीं आता यहां से, तू चला जा। राजा तुझे और तेरी देवी को मैं क्या हूं बता देता हूं, बोला। और दूसरे दिन वो क्या किया कि जहां गुवाहाटी में कामाख्या में पूरे गांव का मैल जाता है, ग्रीस यहां जाता है, यहां का टॉयलेट वगैरह सब जाता है, जाके उसमें बैठ गया और मंत्र करने लगा। राजा के सपने में जाकर उन्होंने कहा, अरे वो जाकर वहां बैठकर साधना कर रहा है, वो राजा सैनिकों के साथ आया, बोले राजा तेरे को और माता को धैर्य है कि मेरे को यहां से आके निकाल, अब अंदर कौन आएगा उसके पास, वो जहां बैठा हुआ है। उसने माता को चरणों में नमस्कार किया, माता वो बहुत जिद्दी है, वो वहां बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा, फिर तुझे माता जो कहती है, जिस माता की साधना तू कर रहा है, तो तू वो बंद क्यों नहीं करता? अरे राजा तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, क्यों? जो माता मेरे साधना से त्रस्त है तो मेरे को रोज याद कर रही है, देख मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, रोज तुझे सपने में आकर कहते मेरे से करने के लिए डर रही है, और तेरे आकर कह रही है मेरे कह सकते ना जावल के करने की शक्ति नहीं है उसे, कह दे कि मैं यहां बैठा हूं, वो जब तक वो नहीं आएगी मैं यहां से हटूंगा नहीं। और माता आई और जो वहां मरीनता थी उसको पूरे मोगरे के फूलों में बदल दिया। बोल तू क्या चाहता है? बोले माता ये बता दे कि मैं तेरा बेटा हूं और मैं सामर्थ्यवान जीना चाहता हूं, यहां अंग्रेजी का राज्य चल रहा है, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दे, एक ऐसा पलंग दे और एक दिव्यांगना दे जो उस पलंग उठाकर मैं कहीं भी घूम सकूं। आज भी गेजेट में लिखा हुआ है कि वह साधु वो छिन्नमस्ता का भक्त कामाख्या का भक्त, उसको माता ने एक पलंग दिया था जिसके ऊपर बैठकर वो विचरण करता था, और अंग्रेजी गवर्नर ने लिखा है कि मैंने ऐसे साधु को देखा है जो पूरे वो जहां भी पलंग लेकर जाता पूरी की सुगंध आती थी, और उसको पलंग उठाने वाले चार देवांगनाएं कन्याएं होती थी, वो जीवन में बहुत दिन तक रहा, बाद में वो बीमारे में चला गया। मैं ये बातें यही नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पास एक पुस्तक है मैं आपको देता हूँ, उसमें पढ़ो, उसका नाम किसका लिखा हुआ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो कामाख्या में साधक था। मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसी कोई जिद्दी वाली साधना करें, क्यों नहीं प्रसन्न होगी? आप बार बार ये मत करो कि मुझे चक्र गोल नहीं घूम रहा है, चक्र को गोल घुमाने की क्रिया करो, ऐसे नहीं होगा, दूसरों को घूमता है तो आपको क्यों नहीं घूमता, आप करो, होगा साधना कैसे सिद्ध नहीं होगी? अगर मैं इतने लोगों को लेकर एक मामूली साधना आपको सामने बैठ कर रहा हूं तो आपको क्यों नहीं होगा, आप एक बार प्रयत्न करो। मैं आपको कल शाम तक की साधना देता हूं, कल शाम इस समय तक जिसने 101 माला पूर्ण की उसको सिद्धि, उसको शक्तिपाद दीक्षा देते हुए मैं कहता हूं कि कभी भी तुम्हारे जीवन में इस पूर्णिमा ने फिर अगले गुरु पूर्णिमा तक अब एक बार अकेले किसी भी पहाड़ पर जाकर भरे जंगल में पहाड़ और वहां अकेले बैठकर केवल रात में बिना माला के मंत्र करते हुए एक आसन डालकर बैठो और मंत्र करो, और आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिव्यांगना और देवांगना नहीं आई तो आप मुझे कहना गुरु जी आपने गलत कहा है, मैं आपके साथ आकर दिव्यांगना को लाकर बताऊंगा, लेकिन आप करके बताओ कि ये साधना है, आपके जीवन को कायाकल्प भरा करो, आपके जीवन को सामर्थ्यवान बनाओ, आप कहीं भी जाने की शक्ति क्षमता रखो। मैं बार बार कल से कह रहा हूं, आप अकेले बीवी को पालने के लिए ही सर नीचे करके आपको पैर ऊपर हो जाते हैं, बीवी बच्चों को पालने के लिए, गुरु जी बच्ची की फीस कैसे भरूं, मेरी बीवी को कैसे पालूं, अरे मैं कहता हूं बीवी बच्चों को छोड़ और हजार लोगों को पालने की शक्ति है तब तो मर्द है, तब तो कुछ काम करता है, वो तो नहीं है बीवी को पालने के लिए परेशान और बीवी छोड़ के चले जाती है कल के लिए, क्या हुआ इस संसार? जैसा गुरु जी कहा करते थे कि बीवी को आकर्षित नहीं कर सकता, बीवी को वशीकरण नहीं कर सकता, देवता खा करेगा बुआ है तो बीवी नहीं आती, देवता क्या आएंगे तेरे पास, गुरु जी का वचन सच था। अपने पति को ठीक तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं रह सकती, दूसरों को पति देवताओं को क्या रखेगी, पति रोज मारता है गुरु क्यों नहीं मारेगा, तेरे में शक्ति अच्छी रहेगी तो क्यों मारता है, प्रेम करेगा रोज, तो तुम्हारे जीवन के इस जीवन को बदलो, इस जीवन को बदलने के लिए तुम्हारे में क्या शक्ति चाहिए, किस प्रकार की दैविक शक्ति तुम्हारे में चाहिए, ये शक्ति जब तक नहीं आती, और इस दैविक शक्ति के लिए ही इस देवांगना और दिव्यांगना साधना को आपको मैं बता रहा हूं आप करें। मैं उस दिव्यांगना साधना को अभी आपको उस मंत्र को बता देता हूं, एक 15 मिनट का समय देता हूं, सती से भजन सुना और उसके बाद मैं साधना का मंत्र देता हूँ। मुझे कल रात तक जो भी 101 माला जप करके बताऊंगा, मंत्र छोटा है, बहुत छोटा मंत्र है, आपको एक घंटे या दो घंटे में 101 माला हो जाएगी, मेरा इतनी गारंटी, आप करके बताओ, बाकी का कार्यक्रम मैं देखता हूँ कि कैसा साधना नहीं संपन्न होगी। एक बार जय घोष करके बोल, प्रभु जी सतगुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, उनके गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय, सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय, बोलो हरे हरे। साधना दो प्रकार की
जाती है। आप सुबह करते हो तो सूर्य भगवान के सूर्य के मंडल से देवांगना आएगी और रात में करते हो तो चंद्र मंडल से देवांगना आएगी। ये आपका निर्णय है कि आप सुबह करो। जो गायत्री के उपासक है गायत्री मंत्र वो करते हैं और सूर्य की साधना करो, और जो सावित्री या दूसरे दशमाभिजन की साधना करते हैं और रात में इस देवांगना की साधना करो, आपको निश्चित रूप से साधना की सिद्धि मिलेगी। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल मंत्र एक सूर्य की माला करना है। आपको ज्योतिष शास्त्र के ऊपर इस साधना को करने से तीन आचार्य आर्यभट्ट हो, रामगिरि हो, कालिदास हो, वरुणरुचि हो और वर्तनी हो, इन सभी ने इस साधना को संपन्न किया है, अपने जीवन को दिव्यता प्रदान किए। और उसके बाद इस साधना को करने वाले ज्योतिषी के ऊपर पुस्तक लिखने वाले बहुत कम हो गए, और उसके बारे में जानकार या उसके बारे में बोलने वाले भी कम हो गए। उस सामर्थ्य को रखने वाले भी कोई नहीं है जो इस सामर्थ्य को लेकर आगे चलना है। राजा विक्रमादित्य क्यों कभी हारे नहीं तो उनके पीछे एक श्रेष्ठता थी। प्रभु रामचंद्र जी क्यों हारे नहीं तो उसके उनके पीछे महर्षि अगस्त्य थे, महर्षि विश्वामित्र थे और वशिष्ठ आदि ऋषि थे। हम आप अगर ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं और गायत्री उपासक है तो ये साधना निश्चित रूप से करो। दशमा विद्या करने वाली साधना आप करो, आपको दशमा विद्या में ये साधना बहुत सहायक रूप में काम करेगी और आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। वो देवांगना साधना है, आपको निश्चित रूप से ये साधना करके आपके जीवन को दिव्य बनाओ, ऐसे ही चाहता हुआ आपके कायाकल्प आपके शरीर का कायाकल्प हो और आप कामधेनु जैसी शक्ति को प्राप्त करें और उस कामधेनु के दूध को प्राप्त करें। यहाँ के भैंसों के दूध या बकरे के दूध ना लें, कामधेनु का दूध प्राप्त कर अपने जीवन को दिव्य बनाएं। ऐसी साधना आपको प्रदान करता हुआ ये साधना बहुत पहले गुरु पूर्णिमा में देना चाहता था, मैंने आज ये साधना संपन्न करवाई। 15 मिनट का समय देता हूँ, तब तक एक भजन सुनेंगे, बाद में ये साधना आपको संपन्न करवाता हूँ। आशीर्वाद है।